बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर टीवी की जानी मानी हसीनाओं ने हाल ही में अपनी शादी रचाई। इन शादियों में दुल्हन बनी तीनों ही हसीनाएं काफी ज्यादा प्यारी लग रही थीं। लेकिन इनमें सोनारिका भदौरिया का लुक ऐसा रहा जिसे बिना सोचे समझे कॉपी किया जा सकता है। इसके अलावा बात करेंगे तीनों शादियों की, यानी रकुल प्रीत सिंह, सोनारिका भदौरिया और दिव्या अग्रवाल की। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा लुक किसका बेस्ट था। दरअसल ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इन दिनों चारों तरफ दो प्यार करने वालों के मिलन का मौसम छाया हुआ है। दरअसल फरवरी के मौसम में हमारे फेवरेट स्टार्स शादी के बंधन में बने हैं। अभी दो दिन पहले जहां देवों के देव महादेव में पार्वती का किरदार निभाने वाली सोनारिका भदौरिया ने अपनी नई जिंदगी की पारी शुरू की, तो वहीं बीते दिन यानी 21 फरवरी को रकुल प्रीत सिंह जैकी भगनानी की दुल्हनिया बन गई। वहीं इनसे ठीक एक दिन पहले वरुण सूद की एक्स गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल ने अपूर्व पटगांवकर को अपना हमसफर बनाया। सोनारिका भदौरिया, रकुल प्रीत सिंह और दिव्या अग्रवाल तीनों ही दुल्हने बनी ये हसीनाएं अपनी शादी में कमाल की लग रही थी, लेकिन इसके बाद भी इनके लुक में कुछ बात अधूरी सी लगी। हालांकि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि इन हसीनाओं के लुक में लग्जरी का टच मिस था, लेकिन कम शब्दों में कहें तो इन दुल्हनों के लुक में नयापन कम ही देखने को मिला। इनका लुक देखकर यही लगा कि ये तो पहले से देखा हुआ है या इसमें नया क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा इनकी वेडिंग लहंगा। दरअसल शादी के दिन दुल्हन का लहंगा एक बहुत ही अहम हिस्सा है उसके पूरे ब्राइडल लुक का, जिसका सिलेक्शन इनसे मिस हो गया। सबसे पहले बात करते हैं रकुल प्रीत सिंह की, जिन्होंने 21 फरवरी को गोवा में जैकी भगनानी से शादी की। इनकी वेडिंग फोटोज भी सामने आ गईं। दरअसल दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरों को शेयर किया, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अपनी जिंदगी के सबसे खास दिन के लिए रकुल प्रीत सिंह ने इंडिया के बेस्ट डिजाइनर्स में से एक तरुण तहिलियानी को चुना था, जिन्होंने एक्ट्रेस के लिए बेहद खूबसूरत पेस्टल पिंक कलर का लहंगा तैयार किया। नो डाउट इस लहंगे में रकुल की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। रकुल प्रीत सिंह ने जो लहंगा पहना था उसमें हाथ की इंट्रीक्रेट एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जिस पर चांदी और सोने के तारों का काम था। पूरे लहंगे में फ्लोरल मोटिव्स के साथ सजाया गया था, जिसकी स्कर्ट को ए लाइन रखा था। वहीं इस आउटफिट के साथ एक्ट्रेस ने फुल स्लीव का ब्लाउज पहना था, जिसके साथ मैचिंग का दुपट्टा उनके लुक में चार चांद लगा रहा था। हालांकि इस लहंगे में रकुल की खूबसूरती देखते ही बन रही थी, लेकिन उनका ये सिलेक्शन हमें आथिया शेट्टी के ब्राइडल लुक की कॉपी लगा, जिसे 416 दिन का समय लगाकर अनामिका खन्ना ने डिजाइन किया था। वहीं बात करें दिव्या अग्रवाल की, तो अपूर्व पटगांवकर को अपना हमसफर बना जिंदगी में एक स्टेप आगे बढ़ने वाली दिव्या अग्रवाल ने अपनी शादी के दिन पर्पल कलर को चुना था। महाराष्ट्रियन कल्चर से दुल्हन बनने वाली दिव्या ने पर्पल कलर का लहंगा पहना था, जिस पर खूबसूरत प्रिंट का काम देखा जा सकता था। दिव्या ने अपने ब्राइडल दुपट्टे में किरण गोटा पट्टी लेस का भी इस्तेमाल किया, जो कि पंजाबी ब्राइड के लुक में सबसे खास होता है। वहीं अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए दिव्या ने लुक चूड़ा और कलीरे पहने थे, जिसके साथ उन्होंने माथे पर मुंडावली भी लगाई थी। अब बात करें सोनारिका भदौरिया के ब्राइडल लुक की, तो उनका लुक रकुल प्रीत सिंह और दिव्या अग्रवाल से बेस्ट था। इसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि सोनारिका ने अपने लुक को पूरी तरह ट्रेडिशनल रखा था। उन्होंने सात फेरे लेने के लिए सुर्ख लाल रंग का लहंगा पहना था, जो कि फिश टेल स्टाइल में था। इस अटायर में वो इतनी ग्रेसफुल, एलिगेंट और क्लासी लग रही थी कि उन पर से चाहकर भी नजरें नहीं हट रही थी। इस लहंगे को पूरी तरह हाथ से सजाया गया था, जिस पर सुनहरे और चांदी के तारों का काम था। वहीं उन्होंने मेकअप को भी सटल रखा था, जिसके साथ माथे पर लाल बिंदी और नाक में नथ पहनी थी। फिलहाल आप भी बताइए, आपको इन तीनों दुल्हन में से कौन सबसे अच्छी लगी, किसका लहंगा सबसे बेस्ट था, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।